हाल ही में हुआ जॉन इब्राहिम स्टारर बातला हाउस का ट्रेलर लॉन्च, जो कि 19 सितंबर 2008 में हुए बातला हाउस के कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर के ऊपर बेस्ड है। ट्रेलर में जॉन एक पावर पैक परफॉर्मेंस देते हुए एक डॉटिंग पुलिस ऑफिसर के रोल निभाते हुए आ रहे हैं अपने रोल पे काफी फिट नजर। ये फिल्म 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के मौके पे होने वाली है बॉक्स ऑफिस पे रिलीज। अक्षय कुमार हैज बिकम द ओनली इंडियन एक्टर टू मेक इट ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एंटरटेनर 2019। अक्षय ने इस लिस्ट पे 33rd पोजीशन किया है ग्रैब विद एन अर्निंग ऑफ 65 मिलियन इन द लास्ट ईयर। फोर्ब्स के मुताबिक अक्षय कुमार करते हैं अपने हर फिल्म से मिनिमम 5 मिलियन से लेके 10 मिलियन की अर्निंग। द एक्टर हैज डिफीटेड सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स व्हिच इंक्लूड सेलिब्रिटीज लाइक रिहाना, केविन हार्ट, जैकी चान, ब्रैडली कूपर एंड स्कारलेट जॉनसन। अजय देवगन, जो कि आने वाले हैं नजर एसएस राजामौलीज आरआरआर में एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल निभाते हुए। अब खबर है कि इस फिल्म में अजय रामचरण के पिता के रोल निभाते हुए आएंगे नजर। दिस मैग्नम ओपस आल्सो स्टार्स जूनियर एनटीआर एंड आलिया भट्ट इन द लीडिंग रोल्स। विल हिट द बिग स्क्रीन्स ऑन July 30th, 2020। तेलुगु एक्टर और सम्मोहनम स्टार अमित पुरोहित का कल रात को हुआ देहांत, और इसी दुखित खबर को ट्विटर में शेयर करते हुए उनके को स्टार सुधीर बाबू ने लिखा, सैडन बाय द डेथ न्यूज ऑफ अमित पुरोहित। ही प्लेड अमित मल्होत्रा समीराज एक्स बॉयफ्रेंड इन सम्मोहनम। Very friendly guy and always gave 100% for every shot. Another young and good actor left us too early. May his soul find peace. Aditi Rao Haidari ne bhi Twitter pe condolence dete hue likhi, rest in peace Amit Purohit, prayers and healing to the family. A kind, gentle, hard-working person gone too soon. Thank you for your invaluable presence in Sanmohanam. Hashtag gone too soon. We at Movie Talkies offer our condolence to the actor's family and friends. अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर मिशन मंगल के टीजर ट्रेलर हाल ही में हुआ था आउट, विच गॉट अ ह्यूज थम्स अप फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अक्षय ने अपने सोशल मीडिया पे किया था इस टीजर का वीडियो शेयर, जिसको रिस्पॉन्ड करते हुए ISRO ने लिखा, एक देश एक सपना, इंडिया टू बी अ स्पेस सुपर पावर, फ्यू डेज टू गो फॉर अचीविंग न्यू माइलस्टोन, हैशटैग चंद्रयान 2। और इसी रिस्पॉन्ड का रिप्लाई करते हुए अक्षय ने लिखा, स्काई हैज नेवर बीन द लिमिट फॉर ISRO.in. All the best to the team for Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 is India's second lunar explosion mission after Chandrayaan 1. Tiger Shroff apne agle film Baaghi 3 ke liye lene wale hai ek naye fighting technique ka training. This new form of fighting technique is called Krav Maga. Isi film ke director Ahmed Khan ne is baat ko share karte hue kaha ki Tiger Krav Maga ki training lene ke liye jane wale hai Israel, जहाँ पे वो 8 से 10 दिन बिताएंगे इस नए फॉर्म ऑफ फाइटिंग की ट्रेनिंग लेते हुए। Krav Maga is a military self-defense and fighting system developed for the Israel Defense Force and Israel Security Forces, derived from a combination of techniques sourced from boxing, wrestling, judo and karate, along with realistic fighting training. Tiger is training ke baad Israel se jaane wale Georgia, jahan pe wo lenge training how to operate machine guns, pistol and shotguns. Tiger Baaghi 3 mein aane wale hai Shraddha Kapoor ke saath screen space share karte hue nazar, aur ye film release hogi March 6, 2020 को। सलमान खान ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के बर्थडे के मौके पे अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट में थ्रो किए उनके लिए एक बर्थडे बैश, और इसी बर्थडे पार्टी को सलमान खान के अलावा अटेंड करते हुए नजर आए प्रोड्यूसर साजिद नादियनवाला, प्रनूतन बाल, लूलिया वैंत्यूर, मनीष बैल, डेजी शाह और कहीं और सितारे। इसी बर्थडे बैश से सभी ने किया एक साथ कैमरास के लिए पोस्ट, जिसके पिक्चर्स हो रहे हैं सोशल मीडिया पे वायरल। साउथ के सुपरस्टार अजित नजर आने वाले हैं लीड रोल निभाते हुए इन बॉनी कपूर नेक्स्ट नीरकोंदा पारवाई, जो कि अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर पिंक के तमिल रीमेक है। पंगा की डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी ने लिखा है, एक हार्ट टचिंग नोट फॉर एक्ट्रेस नीना गुप्ता ऑन हर लास्ट डे शूट फॉर द फिल्म। अश्विनी ने इस वेटरन एक्ट्रेस के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है एक इमोशनल मैसेज, विच रीड्स, टुडे वॉज नीना मैम्स लास्ट डे ऑन पंगा, ऑल आई कैन से इज वी गो बियॉन्ड द एक्टर डायरेक्टर रिलेशनशिप, we are friends for life who chat about everything under the sun.
There were times when we had serious, overwhelming talk to that went into smiles of transparent innermost thoughts. That's how we understood each other. In silence, in the expression of oneness. Thank you. Thank you so much for your precious time and role and making Panga a part of you. I am grateful for life and our story of friendship will always continue. Sara Ali Khan aur Kartik Aaryan jinke link up ke khabre hai Bollywood ke charche mein. Ye dono stars jaldi aane wale hai ek saath silver screens pe nazar in Imtiaz Ali's Love Aajkal 2. Aur haali mein Sara lauti London se apni maa Amrita Singh aur bhai Ibrahim Khan ke saath vacation se. Aur kal raat Mumbai airport mein Kartik hue paparazzi se spotted jo ki aaye the Sara ko pick up karne. The actor hid his face with his hoodie as he got spotted by the paparazzi. And we wonder what's really cooking in between these two. For more update on Bollywood and entertainment, keep watching Movie Talkies.